तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सीन ये है, सबसे पहले तो मौसम देखो, आज ये हो रहा है, सुबह का टाइम है, 9 बजे के करीब है, हम निकल रहे हैं अभी, हमें जाना है रियाद वगैरह जाना है, हम लोग उमरा करने भी जाएंगे आगे इंशाल्लाह। आप सीरीज़ देखो, ये सीरीज़ अभी मेरी चल रही है एक्सप्लोरिंग केस है, और ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाओ, एपिसोड 1 रिलीज़ हो चुका है अलकरा माउंटेन वाला, तो एपिसोड 1 भी देख लो। ये एपिसोड 2 है इंशाल्लाह एक्सप्लोरिंग केस की सीरीज़, फुल ओपी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो खैर अभी उधर गाड़ी में सामान रख रहे हैं और मौसम बहुत ओपी हो रहा है, तो बस निकलते हैं सीधा सफ़र पे, और बस सफ़र अल्लाह के नाम पे शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं रियाद, रियाद में आए हैं, तो हम लोग आए इस जगह पे जहाँ पर ये एक मस्जिद है और ये एक रोड है, इधर सीधा जा रहा है, और हम रुके हैं इस होटल में, जो भी नाम है इसका। तो अभी इस होटल में रुके हैं, अभी जाएंगे ऊपर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं फिर आगे क्या प्लान्स बनते हैं, क्या खाना पीना होता है और कहाँ निकलते हैं। तो बस थोड़ी थकान हो गई है तो ऊपर जाता हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं सबसे पहले तो। और बाकी यार ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हेलो, तो चलो हेलो बोल दो भाई। हेलो, तो भाई अब ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन होता है, कमरे वमरे में जाके देखते हैं। हाँ भैया, तो हमने होटल में गए, फ्रेश वगैरह हुए, खाना वाना खाया, तो अब हम निकल रहे हैं तकरीबन 5:30 के आसपास, मगरिब का टाइम हो रहा है, पीछे देख सकते हैं अंधेरा हो गया मेरे। तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा रियाद को एक्सप्लोर करने। अब हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, हम सबसे पहली लोकेशन आई थिंक हमारी सऊदी नेशनल म्यूजियम, और उसके बीच में कोई टावर वगैरह आता है वो भी देखेंगे। तो जल्दी से निकलते हैं और रियाद को एक्सप्लोर करते हैं, आज का व्लॉग भी बनाते हैं थोड़ा अच्छा मज़ेदार। बाकी आप देख सकते हैं अभी होटल की लाइट्स भी खुल गई हैं और मस्जिद की लाइटिंग भी खुल गई है, मस्जिद भी बहुत खूबसूरत हो रही है। तो जल्दी से निकलते हैं, थोड़ा रियाद को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। सो लेट्स गो। Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light, 'cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell, why you hanging on the roof up by yourself? सऊदी नेशनल म्यूजियम आते हुए बूंदाबांदी हो रही थी, और यार मतलब म्यूजियम के जो आर्किटेक्चर पे बना हुआ है बहुत अच्छा माशाल्लाह से, रियाद की ओवरऑल जो भी बिल्डिंग है आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो खैर अभी डस्ट स्टॉर्म आ गया, आई थिंक हवाएं फुल तेज़ हो गई हैं, तो अभी हम सीधा म्यूजियम के एंट्री लेने जा रहे हैं, वो रही शायद म्यूजियम की एंट्री, तो म्यूजियम के अंदर चलते हैं, फिर म्यूजियम के कुछ सीन्स वगैरह देखते हैं, हवा तेज़ हो रही है तो सीधा अंदर चलते हैं। अभी हम अंदर आए तो सबसे पहले तो ये है, कोई मेट्रॉइड मिला था, तो ये कोई मेट्रॉइड है जो मिला था, और ये मैन एंड द यूनिवर्स,
यहाँ पर सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, तो ये पूरी एक वीडियो बनाई हुई उन्होंने, यूनिवर्स का शो टाइप बनाया हुआ है, सब चीज़ों का नाम लिखा है और ये पूरा मैप बना है। और अगर हम इन बटन्स पर दबाएंगे ना तो इधर मैप में वो लाइटें चल जाएंगी जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग इधर दबाते हैं सॉल्ट, तो ये सॉल्ट कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ये देखें, ये आई थिंक हाँ ये ग्रीन जल गई, तो ये मिलता है इधर ऐश शिका अल उलिया अल असविजिया। ऐसे ही हम दबाते हैं ग्रेनाइट, तो ये रनिया भी हो गया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बनाया हुआ ताकि लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए भी बड़ी फ्रूटफुल है ये जगह, कि लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपना, ये अल्दम ऐसी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई हुई उन्होंने। और ये बाकी सारे पत्थर वगैरह हैं इधर, अलग अलग तरीके के जो पत्थर मिलते हैं उन सब की इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई यहाँ पर। ये सारे पत्थर, इनके नाम वगैरह भी लिखे हुए नीचे, ये भी अलग अलग तरीके के पत्थर हैं। और ये क्या है, ये डेजर्ट रोज, ये चेक करें आप यार, मतलब माशाल्लाह। उधर से निकल के आए तो इधर है ये एलिफेंट इन अरेबियन पेनिसुला, उसका ये दांत है, ये लोअर जो है, और ये है हाथी, जो अरेबियन पेनिसुला में हाथी होते थे ना पुराने ज़माने में, ये वो है। मतलब आप देख सकते हैं कैसा उसका पूरा ढांचा है इधर। जैसे कि हमने पीछे देखा, ये मैं आगे आया हूँ तो इधर भी बहुत सारी ये ना, ये पत्थरों पर ऐसे बने हुए इन्होंने निकाले हैं, तो ये मतलब इधर मैं पढ़ता हूँ, ये देख सकते हैं, ये आप ये पढ़ सकते हैं, 4th millennium BC इरेक्टेड इन 4th millennium BC में। मतलब इनको खैर क्या लिखा हो सकता, हम पढ़ने की कोशिश करें। चलो इधर से पढ़ते हैं। ये दो बंदे हैं और वो सुसाइड करने जा रहे हैं ऊपर, नीचे कुछ लिखने की ट्राई किया इन्होंने, ये भी शायद अल्लाह अकबर लिखा हुआ है कुछ। और ये लोग भी ऐसे कश्तियाँ चला रहे, गाड़ियाँ चला रहे, अरे सॉरी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब ये बहुत पुराने ज़माने से निकाले गए हैं ज़मीन के अंदर से। म्यूजियम के बाद आके सब लोग लेटते बैठते हुए ये सब लेट गए, निकल गया भाई, निकल गया म्यूजियम से, निकल गए म्यूजियम से बाहर निकलते हुए। बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, फुल तेज़ बारिश शुरू हो गई सग रियाद में ना। अब हम बाहर कैसे जाए यार, ओ भाई चलो देखते हैं कैसे जाते हैं। और ये आपका भाई, ये लोग अकेले अकेले कर रहे थे बारिश में बोटिंग, सारे बच्चे तो जमा हो गए उनके पास जाते जाते वापस ले आए ये लोग उनको, वो बच्चे भाग भाग के इसको पकड़ने के लिए आ रहे बच्चे उधर भाग रहे हैं इस बोट को पकड़ने के लिए, फुल रश हो गया है ये आ गए बच्चे, आ गए, आ गए बच्चे, आ गए सारे, ये मार रहे हैं अभी सारे बच्चे चीख रहे थे अरबी में यार बारिश हो रही थी अभी तो हल्की हुई है थोड़ी, तो ये ऐसे इधर ही लोग मजे कर रहे हैं ओ भाई क्या सीन बन रहा है, बच्चे चीखे थे एक साथ, ये देखो ये पिल लेके भागी, पिल लेके भागी तो सीन ये कि हम लोग म्यूजियम के बाद सीधा निकल गए थे हम लोग पार्क के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी तो हमें होटल आने में लेट हो गया, और काफ़ी लेट हो गया, मतलब पार्क भी हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाए और होटल भी हम लोग तकरीबन 10:15 के आसपास आए, तो अभी ज़्यादा सीन था नहीं, खाने वाने का देखेंगे, तो खाना वाना खा के फिर हम सीधा सो जाएंगे। तो मैंने कहा आपको और दिखाना नहीं है, तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, तो episode 2 एंड्स हियर। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट कुछ भी दिल करे, भाई को दुआ में देखना, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्त है, अल्लाह हाफिज़। और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब।